Hey guys and welcome back to the Pokemon Glaze version, जहाँ पे जर पिछली बार आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने लीव करा था दी एवरग्रीन टाउन को। हम पहुँचे थे महोगनी टाउन में एंड वहाँ पे हम लोगों को पता चला कि रेगिना ने जो थंडर ऑब है वो भी हम लोगों के सामने जो है वो यहाँ पर ले लिया है एंड वो फिलहाल के लिए जा चुकी है ऑन द बेल टावर। बट उसके बाद जब हम लोगों ने ब्लैकथॉर्न सिटी के लिए रवाना हो चुके थे तभी हम लोगों को ड्रैगोनाइट का मैसेज आया था कि उसने यहाँ पर एक लेटर था कि पोकेमोन लीग का तो लिखा था यहाँ पर जो किससे आया था, बट वो चाहते थे कि यहाँ पर हम लोग न्यू आइलैंड के लिए चले जाए। बट आज हम लोग जाने वाले हैं गाइस यार न्यू आइलैंड की तरफ। मेरे पास एक और क्वेस्ट था कि मैं यहाँ पर बेल टावर की तरफ चले जाऊँ, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद हम लोगों को पहले न्यू आइलैंड की तरफ जाकर चेक करना चाहिए। देखने वाली ये बात रहेगी गाइस यार कि क्या वहाँ पर हम लोगों को मिस्ट्री है न्यू आइलैंड की। मैंने थोड़ी सी थियरी लगाई थी कल कि मुझे यहाँ पर शायद म्यूटू का यहाँ पर शायद म्यूटू के साथ मुलाकात हो सकती है। आई डोंट नो कि यहाँ पर मुलाकात होगी या नहीं, बट आई एम जस्ट सो एक्साइटेड अबाउट दैट, क्योंकि गाइस यार यहाँ पर म्यूटू को पकड़ने के लिए भी यार मेरे पास अच्छे खासे मास्टर बॉल्स रहने की ज़रूरत है। मैं पहले तो यार अल्ट्रा बॉल्स की पूरी कोशिश करूँगा कि अल्ट्रा बॉल्स से यहाँ पर हम लोग पकड़ पाते हैं या फिर नहीं म्यूटू को, वरना फिर आपको तो बताइए हमारे पास मास्टर बॉल्स तो पड़े ही हैं पीसी में, फिर मैं वो लेकर आके मैं फिर से जो वो कैच कर दूंगा। तो बट यार यहाँ पर हम लोग फेरी तो नहीं ले सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। सो शायद हम लोगों को कोई और रास्ता है क्या? डाइव का एक ऑप्शन है, सो वाई नॉट ट्राई दिस सेकेंड ऑप्शन गाइस, क्योंकि चलते हैं यार यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन डाइव का इस्तेमाल करने के लिए। बट वो हम लोगों को डाइव सिखानी पड़ेगी। यहाँ पर सिखा देते हैं यार यहाँ पर अपने टोटो को। टोटो यार अपने डाइव सीख ले। ए पीका, मेरे पास और कोई मूव है क्या? मेरे सारे मूव यार पीका सीखना ही चाहता है, सीखना ही चाहता है, सीखना ही चाहता है। कोई भी यार एक वाटर टाइप मूव ले लूँ। पीका के पास इतना पानी है क्या यार मुँह में कि वो वाटर टाइप मूव सीख सकता है? तो अभी हम लोग फिलहाल हैं यहाँ पे जोटो सी फ्लोर पर, तो अंडरग्राउंड होके शायद यहाँ पर हम लोगों को सीधा हम लोग बाहर निकल जाए ऑन द न्यू आइलैंड, क्योंकि न्यू आइलैंड का ही इशारा आया था हम लोगों को। देखते ही गाइस सर यहाँ पर अभी कैसे हो जाता है हम लोगों के ये रास्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अगर आज का एपिसोड भी हम लोगों को मीटू दिखाई दे तो। क्योंकि गाइस सर मैंने बस वो थियरी लगाई थी, आप लोगों को ने तो मुझे यहाँ पर कमेंट में नहीं बताया कि मेरी थियरी सही है या फिर नहीं, बट आई जस्ट अज्यूम दैट कि यहाँ पर न्यू आइलैंड टाइम यार मुझे थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पर हमें म्यूटू दिखाई दे सकता है। सो या वी विल फाइंड आउट दैट यहाँ पर जल्दी हमें पता चल ही नहीं वाला है। ऑल दो या वी आर इन द न्यू आइलैंड, ये छोटा सा आइलैंड ना आपको पता होगा ना, हम लोग यहाँ पर ऐसे ही आइलैंड में जो है वो यहाँ पर ब्लैक के साथ एक कह सकते हो कि गाइस यार क्वेस्ट करने के लिए आए थे। द साइन इज केल्टा, यार क्या है यार ये सब क्या है? वो यहाँ की लैब तो देखो यार पूरी की पूरी जो है वो यहाँ पर तबाह हो चुकी है। मतलब कि यार यहाँ पर ज़्यादा शायद हम लोगों को रुकना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है यहाँ पे, तो शायद हम लोग ज़्यादा यहाँ पे ना ही रुके तो ही बेहतर होगा। सो चलते गए इधर यहाँ पर भी सीधा यहाँ से आगे की तरफ। ओके मैक्स रेबल का इस्तेमाल कर देता हूँ यहाँ पे शायद इधर रुकने के। ओ म्यूटू तुम आ चुके हो, जो मैसेज मैंने तुम्हें दिया था वो कोई ली की तरफ से नहीं था, वो बल्कि मेरी तरफ से था। आई नो कि तुमने म्यू को चोट पहुंचाई है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम ने पहुंचाई है या फिर नहीं, पर तुमने ये की है। दैट्स व्हाई कि मैंने तुम्हें बुलाया है कि मैं चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। अपने आप को डिफेंड करो फ्रॉम, क्योंकि तुम यहाँ पे दर्द महसूस करने वाले हो। अरे यार यहाँ पे गाइस यार इसको लगता है कि हम लोगों ने म्यू को जो है यहाँ पर चोट पहुंचाई है। ए वेट, ये मेरा ही टाइप लोजन है क्या? बट मेरा तो मेल वाला, इसका मेल वाला है बट सेम लेवल का है ऑल दो। सो शायद अरे हाँ म्यूटू जो है सर यहाँ पर अपनी जो पूरी पूरी टीम है उसको क्लोन कर सकता है, उसके पास यार साइकिक टाइप एबिलिटी है, वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हो कि इधर टॉप फाइव में भी यार म्यूटू का नाम शामिल होता है एक खतरनाक लेजेंडरी पोकेमॉन में, क्योंकि यार ये एक बेसिकली एक मैन मेड पोकेमॉन है एंड ये बात भी कर सकता है आपको तो पता ही है।
हमारे जो ट्रांसलेटर है वो उसको लगता है कि मतलब कि म्यूटू को लगता है कि हम लोगों ने चोट पहुँचाई है, जबकि यार हम लोगों ने कुछ किया भी ना हो। बट खैर गाइस, यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हराना पड़ेगा यहाँ पर म्यूटू को। म्यूटू के जो पोकेमोन से यार, भले ही यहाँ पर अब कन्फर्म हो गया कि ये मेरी टीम है, क्योंकि स्कार पिकाचू आ गया ना, मुझे कन्फर्मेशन दे दी इसने। तो गाइस यार, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर अभी कह सकते हो ना, भले ही इसके पास हमारी टीम है, भले ही इसके पास अपनी खासी अच्छी खासी टीम हो, बट हमारे पास, हम लोग को पता है कि कौन से पोकेमॉन को कब इस्तेमाल करना है। दैट इज़ द रीज़न कि मैं यहाँ पर अभी अच्छी खासी टीम इसलिए बिल्डअप करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखोगे ना, मेरे जो हर एक पोकेमॉन है ना, वो हर एक पोकेमॉन को भी हरा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी अपने टोटो को ले लो, वो यहाँ पर अपने क्विल को हरा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने एरो को ले लो, वो पीका को हरा सकता है। स्कैप्टर को ले लो, वो यहाँ पर कह सकते हो कि फिर से टोटो को हरा सकता है। एंड क्विल को ले लो, वो स्कैप्टर को हरा सकता है। यार यही मेरी टीम की खास बात है कि वो यहाँ पर वो अपने आप को भी हरा सकते हैं, एंड यार सामने वाली वाली टीम को जो और अच्छी तरीके से हरा सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न ना कि मैं इतनी अच्छी खासी टीम बिल्डअप करता हूँ, ताकि भले ही यहाँ पर एक पोकेमॉन यार मेरे डाउन हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि मेरे सारे के सारे जो पोकेमॉन्स हैं वो अपना बेस्ट दे दे। दैट इज़ द रीज़न। आप अगर देख ही सकते हो गाइज़र, मैंने ये बात मैंने ऑलरेडी कर दी है, ऑल दो कि हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो टिक मार्क कर दिए है दी फायर टाइप पोकेमॉन। नेक्स्ट वन हम लोगों ने टिक मार्क करी थी दी इलेक्ट्रिक टाइप एबिलिटी। थर्ड वन हम लोगों ने टिक मार्क करी दी वाटर टाइप एबिलिटी। फोर्थ वन हम लोगों ने टिक कर दी फ्लाइंग, क्योंकि हम लोगों की टीम में अगर देखा जाए तो इस पूरी टीम में एक भी फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है नहीं और ना ही होगा, सिवाय अपने एरो के। एंड रॉक टाइप एबिलिटी भी आ गई। सो फिफ्थ वन ने हम लोगों ने कैप्चर किया, मतलब कि वो पहले ही हम लोग के टीम में था, बट मैंने उसको जो है वो फिर से भेज दिया था फॉर सम रीजंस, द स्कैप्टर द स्कैप्टाइल। एंड द सिक्स्थ वन में यार, यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर कह सकते हो कि यार कैच किया था डी गिबल द जॉब्स। गाइजर मैंने उसको कैसे पकड़ा वो फिलहाल दिखाया नहीं था, क्योंकि गाइजर कुछ चीज़ें हैं मुझे आप लोग को, मतलब कि यार वो ऑफ स्क्रीन वाली चीज़ थी, इस वजह से मैंने दिखाई नहीं थी। सो यहाँ पर गाइजर हम लोगों ने फेराली गेटर को भी एक बस और एक हिट देनी है, एंड देन द बैटल विल बी डन एंड डस्टेड एंड दैट्स इट। तो जी हाँ गाइजर, यहाँ पर अभी हम लोगों ने हरा दिया है दी फेराली गेटर को। तो देखते गए सर, यहाँ पर अभी हम लोगों ने डिफीट कर दिया है फेराली गेटर को। यहाँ पर अभी और कोई बचा तो नहीं है उसके इस टीम में। सो या हम लोगों ने हरा दिया है मेटो को। ओके 2840 यहाँ पर हमारी टोटल अर्निंग हुई। यूजलेस क्लोन्स, अब मैं बस तुमसे लड़ना चाहता हूँ अपने आप के खिलाफ। ओके सो गाइज, यहाँ पर म्यूटू ही आ चुका है खुद ब खुद। एंड जी हाँ गाइज यार, यहाँ पर मेरे पास मास्टर बॉल जो थे, मैंने उनका इस्तेमाल करके यहाँ पर अभी म्यूटू को जो है वो कैच कर लिया है। सो यह गाइज यार, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इसको, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, क्योंकि मैंने यहाँ जो है वो ट्राई आउट करी थी विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा बॉल्स, बट वो नहीं आया, नहीं हमारे बात सुनना चाहता था। बट खैर कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोगों ने उसको पकड़ लिया है विद द हेल्प ऑफ आर मास्टर बॉल्स। सो मुझे लगता है गाइजर कि ये वीडियो को एक शॉर्ट एंड सिंपल रख देते हैं, क्योंकि गाइजर मुझे न्यू आइलैंड और म्यूटू, यही आज की चीज़ है वो थोड़ी सी हाईलाइट करनी थी, जो कि मैंने कर दी है। सो मुझे लगता है कि गाइजर यहाँ पर ये वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। आई जस्ट होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, एंड अगर पसंद आए तो प्लीज़ गाइजर लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब गाइजर करना मत भूलना। मुझे यार फॉलो कीजिएगा, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स आर इन द ऑल डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो या आज इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ मैं। मिलता आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पोकेमॉन ग्लेज वर्जन कल, होपफुली। तब तक के लिए गाइस यार, गुड बाय।